गाइस अप दिस इज सी कुमार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस सेशन में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट कर दिया था पिछले सेशन में और अभी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्कशन को और कंटिन्यू करके चलेंगे राइट right? सो so, जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर नए हैं आप लोगों को थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूं सो दिस इज ओवरऑल द सिक्स सेशन ऑन इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ये लेक्चर नंबर टू है मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन यहां पर लिखी हुई है उसको आप लोग पढ़ सकते हैं Uh, मैं रोज सुबह आठ बजे अनकेडमी सी फाउंडेशन प्रो यूट्यूब चैनल पर आकर आप लोगों को लाइव पढ़ाता हूं मैं अनडमी प्लस के एकाग्रता 1.2 बैच में मंडे टू थर्सडे शाम को 5:45 पीएम पर लाइव रहता हूं और मैं अकेडमी सी चैनल पर मंडे टू फ्राइडे शाम को चार बजे आकर आप लोगों के साथ लाइव पढ़ता हूं ठीक है मतलब आप लोगों को लाइव पढ़ाता हूं ठीक है ये हमारा वर्चुअल लाइब्रेरी का लिंक है इस लिंक पर जब आप लोग जाएंगे तो शुरुआत से लेकर अभी तक मैंने जितने भी सेशन लिए हैं वो सारे के सारे आप लोगों को यहां पर मिल जाएंगे तो अगर कोई भी स्टूडेंट नया है पुराने सेशन आप देखना चाहते हो तो आप इस लिंक पर जाकर देख सकते हो आपको हर चैप्टर के सारे के सारे सेशन यहां पर मिल जाएंगे राइट right? बाकी अगर आप लोग बहुत ज्यादा डेडिकेटेड और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप अकेडमी प्लस का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं ये अनकेडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स हैं ये उसके प्राइसेस हैं यहां पर अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं निश्चय तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलता है सिमिलरली ये अनकेडमी आइकॉनिक के बेनिफिट्स हैं ये आइकॉनिक के प्राइसेस हैं यहां पर आप मेरा कोड यूज करते हैं निश्चय तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाता है सब्सक्रिप्शन लेने का जो प्रोसेस है वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा तो प्लीज वॉच द वीडियो टिल दी एंड राइट यू कैन ऑल्सो डाउनलोड दिन अकेडमीज ऐप एंड वॉच द स्पेशल क्लासेस स्पेशल क्लासेस को देखने के लिए आपको मेरा कोड यूज करना होगा टू अनलॉक द स्पेशल आर एब्सोलूटली फ्री ऑफ कॉस्ट यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन अन अकेडमी वेबसाइट थ्रू दिस लिंक unacademy.com अकेडमी डॉट कॉम स्लैश निशांत अगर आप इस लिंक के मुझे फॉलो करते हैं तो मेरी कोई भी स्पेशल क्लास जब भी होगी तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए करेगा एंड यू वोट मिस आउट ऑन एनी ऑफ द स्पेशल क्लासेस लेट्स स्टार्ट विद टुडेस सेशन और इसमें हम लोग कर रहे थे सर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन दSatisfying values of x for this equation राइट right, तो पहले हम लोग अगेन ऑल वी हैव टू डू इज जस्ट सिंपली ट्राई दी ऑप्शंस ठीक है तो पहले ऑप्शन ए से ट्राई करते हैं ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा p ठीक है तो x की जगह पर अगर p डालेंगे तो lhs will be what अगर हमने एक्स की जगह पर पी डाला तो एल एच एस क्या होगा टू पी प्लस क्यू यह आपका एल एच एस होगा आर एच एस आपका क्या होगा वन अपॉन पी प्लस वन अपॉन पी प्लस वन अपॉन क्यू ठीक है तो कहीं से भी lhs और rhs में कोई संबंध तो नजर आ नहीं रहा क्योंकि इसका अगर आप lcm भी लेते हो तो क्या आएगा p/q आएगा सॉरी oh, pq आएगा तो दिस इज व्हाट q plus q plus p तो क्या आएगा 2q plus p pq ठीक है किसी भी एंगल से ये 1 upon 2p plus q तो आपका नहीं नजर आ रहा है ऑप्शन ए आपका आंसर नहीं हो सकता ऑप्शन ए इज डिसमिसड ऑप्शन बी ट्राई करते हैं -p लेट्स ट्राई lhs और में आपका क्या आएगा? तो ज़ाहिर सी बात है ये और ये और कट जाएगा, बचेगा आपका यहाँ पर भी वन बाई क्यू ठीक है तो माइनस पी से एल एच एस इज कमिंग टू आर एच एस राइट माइनस पी से एल एच एस इज कमिंग आउट टू इक्वल टू आर एच एस तो ये तो आपका क्लियर हो ही गया अब माइनस क्यू से भी एक बार ट्राई कर लेते क्या हो जाएगा वन अपॉन माइनस क्यू प्लस पी प्लस क्यू तो दिस इज वन अपॉन पी राइट आर एच एस क्या है वन अपॉन माइनस क्यू प्लस वन अपॉन पी प्लस वन अपॉन क्यू ये कट जाएगा और आपका बचेगा वन अपॉन

ठीक है और अगर आर देखा जाए तो सिक्स माइनस फोर इंटू माइनस वन तो सिक्स प्लस फोर आर भी आपका आ जाता है ठीक है तो ऑप्शन बी में जो आपका माइनस वन है वो तो आपकी दोनों ही, वो तो आपकी इस equation को satisfy कर ही रहा है नाउ लेट्स ट्राई विद माइनस ट्वेल्व तो माइनस ट्वेल्व होल स्क्वेर प्लस नाइन इंटू माइनस ट्वेल्व प्लस एटीन कैलक्यूलेटर देवता प्रकट हो महाराज हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है let's see minus 12 into is equal to m plus 9 into minus 12 is equal to m plus 18 plus mrc is equal to 54 comes out to be the lhs lhs is 54 rhs they can 6 minus 4 into minus 12 so 6 plus 4 into 12 is what 48 okay plus 48 48 plus 6 clearly it's 54

प्लस फाइव इंटू टू माइनस टू का स्क्वेयर रूट माइनस टू इंटू टू स्क्वेयर प्लस फाइव इंटू टू माइनस नाइन क्या ये वन आएगा लेट्स सी लेट्स सी पहले इसको सॉल्व करते हैं तो फोर इंटू टू एट ठीक है ना फोर टू स्क्वेयर इज फोर फोर इंटू टू एट प्लस टेन माइनस नाइन एट प्लस टेन 9, इसका रूट उट टू बी वन ठीक है तो टू से तो आपकी ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो ही रही है नाउ लेट्स ट्राई विद माइनस नाइन बाई टू एज राइट सो टू इंटू माइनस नाइन बाई टू का स्क्वायर प्लस फाइव इंटू माइनस नाइन बाई टू माइनस टू ठीक माइनस ऑफ टू इंटू माइनस नाइन बाई टू का स्क्वेयर प्लस फाइव इंटू माइनस नाइन बाई टू माइनस नाइन ओके लेट्स सी तो ये भी आपका क्या माइनस नाइन बाई टू माइनस नाइन बाई टू इंटू इज इक्वल टू इंटू टू ठीक एम प्लस उसके बाद फाइव इंटू माइनस नाइन बाई टू माइनस नाइन बाई टू प्लस फाइव इज इक्वल टू एम प्लस एम आर सी एम आर सी माइनस नाइन इज इक्वल टू इसका स्क्वेयर रूट थर्टी टू आएगा सही चल रहा है माइनस वन आना चाहिए ना इंटू माइनस नाइन बाई टू एक्स स्क्स इंटू माइनस नाइन बाई टू माइनस नाइन एक बार फिर से ट्राई करेंगे और एम आर सी एम आर सी माइनस नाइन हाँ तो कुछ तो गड़बड़ी हो ही रही थी ठीक है इसका स्क्वायर रूट और अब ये एम प्लस मतलब ये वाला आपका थ्री आ रहा है दिस एंटायर थिंग इज कमिंग आउट टू बी थ्री ठीक है दिस एंटायर थिंग इज कमिंग आउट टू बी थ्री ठीक है इधर देखते हैं एलएचएस को देखते हैं एलएचएस को देखते हैं तो क्या होगा माइनस नाइन बाई टू इन टू इक्वल टू इन टू टू इक्वल टू एम प्लस ठीक है फिर माइनस नाइन बाई टू प्लस एमआरसी माइनस टू इज इक्वल टू आपका रूट हाँ तो हो गया दिस तो फोर माइनस थ्री इज इक्वल टू वन तो ऑप्शन ए इज द आंसर आई होप सब समझ में आ गया बोलो निश्चित निश्चित बोलो निश्चित निश्चित मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन थ्री एक्स स्क्स एक्स प्लस ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू जीरो आर ठीक है अब आप लोग चाहो तो इसको फास्टेस्ट मेथड से भी कर सकते हो लेकिन हम लोग सिंपली ऑप्शन को ट्राई करेंगे तो पहले हम लोग ऑप्शन पहले हम लोग ऑप्शन ए का टू पुट करके देखते वॉट फोर तो दिस बी ट्वेल्व ठीक है माइनस सेवनटीन इन टू टू इज वॉट फिफ्टी फोर ठीक है माइनस फिफ्टी फोर 24, क्या ये जीरो है मुझे तो नहीं लगता कि ये 0 है क्योंकि 24 प्लस 12 नहीं हो सकता थ्री से चेक करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ऑप्शन ए इज नॉट योर आंसर सिमिलरली ऑप्शन बी भी आपका आंसर नहीं हो सकता बिकॉज ऑप्शन बी कंटेन्स टू ऑप्शन बी को भी चेक करने की कोई जरूरत नहीं है अब ऑप्शन सी में देखते थ्री ठीक है 3, तो थ्री स्क्वेटी सेवेंटी इन टू थ्री मुझे नहीं पता क्या होता है

तो इसको देखो इंटू इज इक्वल टू इन टू थ्री याद आए ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री थ्री माइनस तो एक्सन इन टू एम इक्वल टू फोर्टी फाइव पॉइंट थ्री थ्री तो माइनस फोर्टी फाइव पॉइंट थ्री थ्री प्लस ट्वेंटी फोर देखते हैं इसको ट्वेंटी वन पॉइंट थ्री थ्री माइनस फोर्टी फाइव पॉइंट थ्री थ्री प्लस ट्वेंटी फोर

तो क्या इससे हमारा आंसर आता है ओ हा हा यहां पर तो भाई साहब बवाल है यहां पर बवाल क्या है वन कॉमा वन वन कॉमा माइनस वन हाफ कॉमा माइनस वन टू कॉमा माइनस वन तो चलो ये तो चलता है लेकिन जो वन कॉमा वन है ये बवाल क्रिएट कर रहा है आपका ठीक है ये बवाल क्रिएट कर रहा है तो चलो मैं आपको बताता हूं क्या होगा इसका ठीक है अगर हम पहले वन को पुट करके देखें तो ये क्या होगा थ्री प्लस फिफ्टीन एटीन एटीन इंटू थ्री बाई सिक्स ठीक है एटीन इंटू थ्री बाई सिक्स थ्री टू जिक्स टू नाइन जे एटीन प्लस टू एक काम करते हैं उसको कायदे से ही लिख हैं ठीक है थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री वन स्क्वेर प्लस फिफ्टीन डिवाइडेड बाई सिक्स प्लस टू इंटू वन स्क्वायर प्लस नाइन यह आपका क्या आता है एल एच एस में तो थ्री इंटू वन स्क्वायर प्लस फिफ्टीन तो वन इंटू इज इक्वल टू इंटू थ्री प्लस फिफ्टीन इंटू थ्री डिवाइडेड बाई सिक्स इज इक्वल टू एम प्लस फिर टू एम प्लस ट्वेंटी एल एच एस आपका आता है सर ट्वेंटी आर एच एस देखो आर एच एस टू इन प्लस प्लस टू प्लस नाइनटी सिक्स डिवाइडेड बाई सेवन प्लस सिक्स ये क्या है ये भी आ रहा है आपका ट्वेंटी आर एच एस भी आ रहा है आपका ट्वेंटी मतलब ये जो वन है वन तो इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन डेफिनेटली है ही ठीक है वन तो इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन डेफिनेटली है ही नाउ दिस मेक एनी सेंस कि दूसरा सॉल्यूशन भी वन ही हो या अगर मान लीजिए दूसरा सॉल्यूशन वन है भी ठीक है अगर दूसरा सॉल्यूशन वन है भी तो हमें पहले उन सभी ऑप्शंस को रूल आउट करना पड़ेगा हमें उन सभी ऑप्शन को रूल आउट करना पड़ेगा मतलब उन सभी ऑप्शन को हमें श्योरिटी के साथ कहना होगा कि हाँ ये आपका आंसर नहीं हो सकता जिनमें भी आपका वन के अलावा कोई और है फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज अ सोल्यूशन ये बात क्लियर है तो दिस के नॉट बी दी आंसर दिस के नॉट बी दी आंसर क्योंकि ना तो यहां पर आपको वन दिख रहा है ना तो आपको यहां पर वन दिख रहा है वी आर नॉट येट श्योर अबाउट माइनस वन ठीक है अब इस वाले ऑप्शन में मुझे वन दिखाई दे रहा है ठीक है तो अब या तो मेरा आंसर ऑप्शन ए है या तो मेरा ऑप्शन सी है आंसर अगर माइनस वन को ट्राई करने से माइनस वन को ट्राई करने से नहीं होती है, तब मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि मेरा है। लेकिन अगर माइनस वन को ट्राई करने पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है तब मेरे पास दो सोल्यूशन निकल के आते हैं वन इज वन एंड दाइनस वन ठीक है तो अभी मैं माइनस वन से ट्राई करने जा रहा हूं इसको थ्री तो इंटू थ्री इंटू माइनस वन स्क्वेर प्लस फिफ्टीन डिवाइडेड बाई सी ये आपका क्या आ जाता है माइनस वन इंटू इज इक्वल टू इंटू थ्री प्लस फिफ्टीन इंटू थ्री डिवाइडेड बाई सिक्स इज इक्वल टू एम प्लस ठीक है फिर माइनस वन इंटू इज इक्वल टू इन टू टू इज इक्वल टू एम प्लस और नाइन एम प्लस एम आर सी दिस कम्स टू ट्वेंटी एल एच एस इज कमिंग आउट टू बी ट्वेंटी आर एच एस देखते हैं टू इंटू माइनस वन स्क्वे प्लस नाइनटी सिक्स डिवाइडेड बाई सेवन प्लस सिक्स ऑल दो देखते ही पता चल रहा है क्योंकि चाहे आप यहां पर वन स्क्वाइनस वन स्क्र लिखो बात तो एक ही है अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसी इक्वेशन में यहां पर वन स्क्वायर लिख के ट्राई किया था बाकी तो कोई चीज है ही नहीं ठीक है कहीं पर अगर एक्स वगैरह कुछ आ रहा होता तब फिर भी एक पंगा हो सकता था ठीक है तो माइनस वन इन टू इज इक्वल टू इन टू प्लस नाइन सिक्स डिवाइडेड बाई सेवन प्लस सिक्स दिस कमिंग आउट टू बी ट्वेंटी सो ऑप्शन सी आपका आंसर होगा आई होप सबको समझ में आ गया बोलो निश्चय 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 बोलो निश्चय 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 ठीक है सर ऑल राइट नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ काफी खतरनाक सा क्वेश्चन होने वाला है so very, very ये तो यू गॉट टू बी वेरी वेरी पेशेंट विद क्वेश्चन टू जीरो आपके पास इक्वेशन है अब आपको एक्स की वैल्यूज पुट करनी है यहां पर और देख रहे हैं कि कौन सी एक्स की वैल्यूज कौन सी वैल्यूज है यार इस right? इस लगेगा, लगेगा।, लगेगा इसमें ठीक है तो कोई बात नहीं देखते हैं तो एल माइनस एम डिवाइडेड बाई टू इंटू वन स्क् माइनस एल प्लस एम डिवाइडेड बाई टू इंटू वन प्लस एम क्या ये जीरो आ रहा है लेट्स सी एल माइनस एम डिवाइडेड बाई टू माइनस एल प्लस एम डिवाइडेड बाई टू प्लस एम बाई वन टू एल माइनस एम माइनस एल प्लस एम प्लस टू एम ठीक है एल माइनस एम माइनस एल माइनस एम प्लस टू एम डिवाइडेड बाई टू एल और एल गया माइनस एम माइनस एम ये गया जीरो बाई टू तो दी आंसर है जीरो मतलब वन से तो आपकी इक्वेशन सेटिसफाई हो ही जा रही है हंड्रेड परसेंट ठीक है वन से आपकी इक्वेशन सेटिसफाई हो जा रही है क्योंकि यहां पर आर एच एस आपका जीरो है और एल एच एस भी आपका जीरो आ गया है ठीक है अब हमें ट्राई करना है दूसरे वाले से अब हमें ट्राई करना है टू एम अपॉन एल माइनस एम से ठीक है तो एल माइनस एम अपॉन टू टू एम अपॉन एल माइनस एम माइनस एल प्लस plus डिवाइडेड divided टू टू 2m अपॉन एल माइनस m प्लस एम ठीक है ये आपको करना है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं एल माइनस m डिवाइडेड by टू into टू upon अपॉन एल माइनस into 2m टू l minus अपॉन एल माइनस ठीक है ये एल माइनस एम होल स्क्वायर था मैंने बस इसको दो अलग अलग करके मल्टीप्लाई में लिख दिया नौबत आए मैं बहुत स्लोली स्लोली आप लोगों को ये वाला कराने वाला बहुत स्लोली राइट सो एल माइनस एम डिवाइडेड बाई टू इंटू टू एम अपॉन एल माइनस एम इंटू टू एम अपॉन एल माइनस एम ये आपका हो चुका है राइट right? अब यहां पर क्या होता है ये तो एज इट इज है इसमें मैं टू और टू को काट सकता हूँ ठीक है इसमें मैं टू और टू को काट सकता हूं तो मेरे पास बचता क्या है माइनस एल प्लस एम डिवाइडेड बाई वन इन टू एम अपॉन एल माइनस एम प्लस एम ये बचता है अब देखो ये टू और टू गया ये एल माइनस एम एम एल माइनस एम ये गया बचता क्या है मेरे पास एम इंटू टू एम अपॉन एल माइनस एम माइनस एम इंटू एल प्लस एम डिवाइडेड बाई एल माइनस एम प्लस एम ये बचता है मेरे पास फिर और क्या बच जाता है टू एम स्क्वेर अपॉन एल माइनस एम माइनस एम इंटू एल प्लस एम अपॉन एल माइनस एम प्लस राइट ऑब्वियसली हम लोग एलसीएम लेंगे एल सी एम आएगा एल माइनस एम ये आएगा टू एम स्क्वेर यह आएगा माइनस एम एल प्लस एम और ये आएगा माइनस एम इन एल माइनस राइट यही आएगा अब इसको हम लोग एक्सपैंड करेंगे तो क्या आ जाएगा टू एम स्क्वेर माइनस एल एम प्लस एम स्क्वेर एल एम प्लस एम स्क्वेर प्लस एल एम माइनस एम स्क्र अपॉन एल माइनस एम ठीक क्या हो जाएगा टू एम स्क् माइनस एल एम माइनस एम स्क्वेर प्लस एल एम माइनस एम स्क्वेर अपॉन एल माइनस एम टू एम स्क्वेर माइनस एम स्क्वेर माइनस एम स्क्वेयर गया माइनस एल एम प्लस एल एम गया आपका आंसर क्या आया जीरो अपॉन एल माइनस एम तो ऑप्शन ए इज दी आंसर तो उतना बड़ा था भी नहीं जितना बड़ा ऐसा लग रहा था ठीक है वाज़ इजी ठीक है लेकिन हाँ पेशेंटली सॉल्व करना पड़ेगा अगर पेशेंटली सॉल्व नहीं किया तो आपका चला जाएगा ठीक है सर आफ्टर दिस वी कम टू सम इंपॉर्टेंट रूल्स और वो कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स कुछ इस तरह से है सबसे पहला सम ऑफ रूट्स विच इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए ये मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में भी बताया था तो ये आप लोगों के लिए कुछ नया नहीं है यू ऑलरेडी नो दिस ठीक है उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए ये भी मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था दिस इज ऑल्सो नॉट न्यू विद फॉर यू नाउ इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन द इक्वेशन इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो इन अदर वर्ड्स वी कैन से एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स एक्चुअली तीनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है तीनों ही रूल आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लगातार इनकी चीजें आपके पास आती रहेंगी मैं आपको थर्ड वाला एक बार और बताता हूँ ठीक है सपोज मैं आपसे कह रहा हूँ कि किसी भी क्वाड्रेटिकवेजन की जो रूट है वो थ्री और फोर है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रूट्स हैं वो थ्री और फोर हैं ठीक है थीके? तो अल्फा इज़ इक्वल टू आपको फॉर्म करने के लिए सिंपली क्या करना है एक्स स्क् माइनस एल्फा प्लस बीटा इन टू एक्स प्लस एल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो फॉर्मुला आपको लगा देना है ठीक है तो एक्स स्क्तर माइनस थ्री प्लस फोर इंटू एक्स प्लस थ्री इंटू फोर इज इक्वल टू जीरो एंड दिस विल गिव यू एक्स स्क् माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो बन के आ जाती है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक है तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके पास आते हैं एग्जाम्स में कि आपको दो रूट्स दे दी जाएंगी और आपसे कहा जाएगा निकालो तो निकालने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इतना याद है x x zero, और आप लोगों को मालूम है सम ऑफ रूट इज गायोडक्ट रूट गिवन बाई एल्फा इंटू दैट्स इट आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू दी हुई है ठीक है इट ड मैटर ऑब्वियसली इट ड मैटर अगर आप थ्री को बीटा मानो और फोर को आल्फा मानो तब भी उससे कोई फर्क तो

is 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 equal equal right? so, plus plus equal to 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 right? So So x x square square minus minus plus 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 into And if I'm not wrong, आपकी कल वाली equation यही थी जिसको हम लोग बार 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 solve कर रहे yes? तो आई होप ये वाली चीज आप सब लोगों को ये तीन इंपॉर्टेंट टूल्स आप सब लोगों को एकदम कायदे से समझ में आ चुके हैं ठीक है राइट टूल right? अभी तक बहुत आसान चल रहा था सब कुछ इक्वेशन में अभी तक कुछ बहुत ज्यादा टेक्निकल या बहुत ज्यादा नई चीज हम लोगों ने नहीं सीखी थी ठीक है हमारे पास सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ऑप्शन में से वैल्यूज पुट कर करके हम लोग अपने आंसर निकाले जा रहे थे और हम लोग मस्त हुए जा रहे थे ठीक है लेकिन अब जो है हम लोग बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में जिसका नाम है नेचर ऑफ रूट ठीक है नेचर ऑफ रूट्स अब मैं आप लोगों को जो अगले आधे घंटे में समझाऊंगा वो बहुत ही परम ज्ञान की चीज होगी बिल्कुल परेशान मत होना आई एल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी थिंग टू यू वेरी वेरी केयरफुली वेरी वेरी स्लोली एंड वेरी वेरी Precisely, in a very precise manner. और जो भी मैं कुछ बताऊंगा वो सब मैंने यहां पर लिखा भी हुआ है तो बाद में मैं आप लोगों को उसका स्क्रीनशॉट भी लेने के लिए दे दूंगा ठीक है लेकिन अभी वट आई नीड यू टू डू इज जस्ट लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली ठीक है बहुत ध्यान से आपको मैं सुनना है अभी आधा घंटा है हमारे पास ऑलमोस्ट आधा घंटा है like 25, 25 minutes, 25, 27 है हमारे पास। इस 25, 27 में में अपने आप को कर दो, ठीक? मैं आपको कुछ चीजें बताने जा रहा हूं सबसे पहले यहां पर काम में आता है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ठीक है quadratic formula क्या है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वे माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए दिस इज अड्राटिक फॉर्मूला एवरीबडी नोस ठीक है और मैंने आपको बताया था या आप लोगों ने बचपन से पढ़ा हुआ है कि इस चीज को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेट ठीक है इस चीज को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट तो आओ हम सबसे पहले इसके बारे में बात करना शुरू कर ठीक है अब जाहिर सी बात है

दो तीन दो पार्ट्स में डिवाइड करें दो पार्ट्स में डिवाइड करें अगर मैं एक यहां पर एक छोटी सी नंबर लाइन बनाता हूं ऐसे जा रही है और ये नंबर लाइन ऐसे तो कहीं तो बीच में जीरो आएगा यहां पर बीच में जीरो आएगा यस क्लियर ये है एकदम b स्क्वायर माइनस 4ac इन इट्स एंटायरिटी कैन अज्यूम एनी वैल्यू फ्रॉम माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी राइट मैंने एक नंबर लाइन बनाई और मैंने आपसे कहा कि ये आपका बीच में जीरो है इट ठीक है नाउ बी स्क्र माइनस फोर एसी कुड हैव अ वैल्यू ओवर हियर बी स्क्वायर माइनस फोर एसी कुड हैव अ वैल्यू ओवर हियर और बी स्क्र माइनस फोर ए सी कुड ऑल्सो है ऐसा भी तो हो बी जीरोक्र माइनस फोर एसी की वैल्यू जीरो आ जाए ठीक है बिल्कुल हो सकता है बहुत ध्यान से सुनना बहुत इंप्रेसिंग है बहुत मजा आएगा और अगर सुन लोगे अगले आधे घंटे तो कुछ रटना नहीं पड़ेगा एकदम कॉमन सेंस से सारी चीजें आपको समझ में आती जाएंगी ठीक है बाकी बुक में तो लिखा हुआ है ही आप लोग रटना चाहो तो उसको रट भी सकते हो मैं भी आप लोगों को स्क्रीनशॉट्स दिल पाऊंगा ठीक है लेकिन फॉर द नेक्स्ट हाफ एन आवर प्लीज 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 लिसन टू मी व्हाट आई हैव टू एक्सप्लेन टू यू ठीक सो माइनस इन्फिनिटी से जीरो जीरो से इन्फिनिटी दिस इज योर नंबर लाइन राइट right? और मैं आपसे कह रहा हूं बी स्क्र माइनस फोर इसी कैन अज्यूम ए वैल्यूर मतलब जीरो से कम ठीक या जीरो से ज्यादा या एग्जैक्टली जीरो ठीक है कैन अटेन वैल्यू या तो जीरो से कम या तो जीरो से ज्यादा या तो जीरो आई नीड आई नीड अनदर पेज ये पेज पे मैं आपको कुछ कुछ चीजें ऐसी रफ uh, टाइप में करके बता रहूंगा और यहां पर मैं आपके साथ कुछ फेयर चीजें कर रहा हूं वी आर टॉकिंग अबाउट बी स्क्वेयर माइनस फोर सी पूरा का पूरा फोकस जो है हमारा वो है बी स्क्वायर माइनस फोर एसी पर और मैं आपसे कह रहा हूं वैल्यूज हो सकती हैं इसकी वैल्यू है। या तो जीरो से कम होगी या तो इसकी वैल्यू जीरो होगी या तो इसकी वैल्यू जीरो से ज्यादा होगी ठीक है इन तीन चीजों के अलावा और कुछ नहीं हो सकता ठीक है, या तो जीरो से कम या तो जीरो या तो जीरो से ज्यादा राइट right. अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो अगर बी स्क्वायर माइनस फोर एसी की वैल्यू जीरो है अगर बी स्क्वायर माइनस फोर एसी की वैल्यू जीरो है तो इधर जीरो होगा एंड बाय द वे दिस इज व्हाट दिस इज अ क्वाड्रेटिक फॉर्मुला तो अल्फा कैसे आता है अल्फा आपका आता है माइनस बी प्लस बी माइनस फोर होल डिवाइडेड बाई टू और बीटा कैसे आता है माइनस बी माइनस बी स्क्वेर माइनस फोर एसी होल डिवाइडेड बाई टू है ठीक है अब मुझे एक बात बताओ अगर बी स्क्र माइनस फोर ए सी जीरो है ठीक है तो ना तो माइनस बी में कुछ ऐड होगा क्योंकि स्क्वेयर रूट ऑफ जीरो विल बी जीरो और ना ही माइनस बी से कुछ माइनस होगा अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी मेरा जीरो है तो एल्फा क्या होगा माइनस बी बाई टू है और बीटा क्या होगा -b बी बाई है ठीक है क्योंकि बी स्क्वायर बाय माइनस फोर बी स्क्वायर माइनस फोर इसी जीरो तो स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 0, इधर भी और इधर भी तो ना तो -b में कुछ ऐड हो रहा है ना तो -b से कुछ माइनस हो रहा है तो अल्फा की वैल्यू क्या बचेगी -b बी बाई है और बीटा की वैल्यू क्या बचेगी -b बी बाई टू है ठीक है तो डोंट यू थिंक अल्फा विल बी इक्वल टू बीटा एल्फा विल बी इक्वल टू बीटा अगर आपका बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी जीरो है तो एल्फा विल बी इक्वल टू बीटा तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि रूट्स जो है हमारी आर इक्वल रूट जो हमारी है हमारी इक्वल है ठीक है अच्छा अब अगर मान लो ये जीरो नहीं है अगर बी स्क्वायर माइनस फोर एसी जीरो नहीं है तो यहां पर माइनस बी में कुछ तो ऐड होगा ठीक है और यहां माइनस बी से कुछ तो माइनस होगा मतलब क्या अल्फा और बीटा इक्वल आएंगे नहीं अल्फा और बीटा इक्वल नहीं आएंगे ठीक है फिर से समझना अगर ये जीरो है तभी तो अल्फा बीटा इक्वल होंगे माइनस बी टू है माइनस बी टू है लेकिन अगर मा, मा, बी स्क्वायर माइनस फोर एसी जीरो नहीं है तो क्या अल्फा बीटा के बराबर होगा नहीं होगा अल्फा कुछ और होगा बीटा कुछ और होगा तो क्या मैं इतना लिख सकता हूं यहां पर कि अगर मेरा लेस देन जीरो है तब भी रूट्स आर अन ठीक है और अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तब भी रूट्स आर -equal. I think मैं ऐसा कर सकता हूं मुझे कोई रोकेगा नहीं मुझे कोई टोकेगा नहीं मेरा कहा सुन के तुम ऐसे अभी चौंकोगे नहीं ठीक है right? तो roots are unequal. इतनी बात तो हमारी बहुत सिंपल सी आ जाती है कि अगर बी स्क्र माइनस फोर ए सी जीरो है तो रूट्स आपकी इक्वल है और अगर जीरो नहीं है तो रूट्स आपकी अन एकवल हो जाती है रूट्स आपकी अन एकवल हो जाती है ठीक है अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुना बी स्क्वायर माइनस फोर की वैल्यू अगर मान लो नेगेटिव होती है ठीक है मैं आपको बताने जा रहा हूं द डिफरेंस बिटवीन रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर मैं आपको सिखाने जा रहा हूं द कॉन्सेप्ट ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर व्हाट डू यू मीन बाय ए रियल नंबर व्हाट डू मीन बाय इमेजिनरी नंबर ठीक है बहुत ध्यान से मेरी बात सुनो एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन इज रियल नंबर वेरी सिंपल एनी नंबर का कोई भी नंबर अगर आप सोच सकते हो ठीक है चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो जीरो हो चाहे वो फ्रैक्शन में हो ठीक है कोई भी दुनिया का कोई भी नंबर जो आप सोच सकते हो वो अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है तो वो आपका रियल नंबर हो ठीक है तो अब आप ऐसे कहोगे कि सर सारे ही नंबर लाइन पे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या हम 0.1 कर सकते हैं यस yes. क्या हम 0.001 कर सकते हैं यस yes. क्या हम uh, four, five, four, three, two, कर सकते हैं यस yes. हम दुनिया का कोई भी नंबर नंबर लाइन में एक्सप्रेस कर सकते हैं नंबर लाइन में मार्क कर सकते हैं नंबर लाइन में पॉइंट कर सकते हैं तो दुनिया के सभी नंबर रियल नंबर हो गए ठीक है बात आती है देन वॉट बाई एन इमेजिनरी नंबर वट डू यू मीन बाई इमेजिनरी नंबर मेरी बात आप बहुत ध्यान से सुनना स्क् रूट ऑफ ट्वेंटी अगर हम लोग 5 5 करते हैं तो आंसर आता है ट्वेंटी फाइव ठीक है स्कोय रूट ऑफ ट्वेंटी क्यू फाइव क्योंकि अगर हम लोग फाइव इंटू फाइव करते हैं तो ट्वेंटी फाइव आता है स्कोयर रूट इज वॉट एनी नंबर विच वेन मल्टीप्लाइड विद इट सेवस यू दिस नंबर ठीक है इज द स्क्र रूट ऑफ ट्वेंटी फाइव राइट Now I am asking you, what is the square root of -25? What is is the the square square root root of of minus 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 25 करके जरा square root वाला बटन दबाओ देखो क्या आता है Error आया ऊपर लिखा हुआ छोटा सा ऊपर लिखा हुआ error आएगा इसने five दिखा दिया वो ठीक है लेकिन ऊपर लिखा हुआ error आया ठीक कई सारे लोग कहते हैं minus five ठीक है मैं कह रहा हूं चलो माइनस फाइव को खुद से मल्टीप्लाई करो देखो क्या आता है माइनस फाइव इंटू माइनस फाइव इज इक्वल टू प्लस ट्वेंटी फाइव हमें तो माइनस ट्वेंटी फाइव चाहिए हमें माइनस ट्वेंटी फाइव चाहिए आई होप यूर गेटिंग इट राइट तो माइनस ट्वेंटी फाइव का स्क्वेयर रूट क्या पॉसिबल है किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वेयर रूट क्या पॉसिबल है ठीक है अगर आप प्लस फाइव इंटू प्लस फाइव करते हो तो भी ट्वेंटी फाइव आता है ठीक है अगर आप माइनस फाइव इंटू माइनस फाइव करते हो तो भी प्लस ट्वेंटी फाइव आता है ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिसको अगर खुद से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आंसर माइनस ट्वेंटी फाइव आए बहुत ध्यान से सुनना ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिसको अगर खुद से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो माइनस ट्वेंटी फाइव आए तो फिर मैथमेटिशियंस ने एक नया नंबर बनाया ठीक है और माइनस ट्वेंटी फाइव का जो स्क्वेयर रूट है वो आएगा आपका फाइव आई वो आएगा फाइव आई ठीक है सो व्हाट द हेल इज दिस आई विल कम टू दैट ठीक है व्हाट इज दिस आई विल कम टू दैट पहले तो बात करते हैं अगर माइनस ट्वेंटी फाइव का स्क्वेरूट फाइव आई है एक सेकेंड के लिए मान लो अगर माइनस ट्वेंटी फाइव का स्क्वेरूट फाइव आई है

5i into 5i should be equal to minus 25, and this is what 25i square. So this should be equal to minus 25. This should be equal to minus 25. I have 25i square is equal to minus 25. 25i. okay. So i square. What is i square? Minus 25 upon 25. Minus i square is equal to minus. ये आया है सर ठीक है तो व्हाट इज आई आई इज एन इमेजिनरी नंबर आई इज एन इमेजिनरी नंबर कि अगर आप आई को खुद से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर माइनस वन आई इज एन इमेजिनरी नंबर जिसको हम लोग आयोटा बोलते हैं जिसको हम लोग टेक्निकली आयोटा बोलते हैं ठीक है आई इज एन इमेजिनरी नंबर जिसको अगर खुद से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका आंसर होता है माइनस वन मतलब दिस इज दी नंबर इन द वर्ल्ड के स्क्वायर करने पर आपका माइनस वन आएगा ठीक है एंड दिस इज दैट नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन ठीक है आई इज अ नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन आई स्क्टर माइनस वन कोई भी दुनिया का कोई भी सेन नंबर कोई भी कायदे का नंबर कोई भी अकलमंद नंबर ऐसा नहीं होगा कि खुद से मल्टीप्लाई होने के बाद वो माइनस में आ जाए आंसर ठीक है लेकिन आई ही ऐसा एक नंबर है कि अगर उसका आई इंटू आई किया आई स्क्र इज वॉट आई इंटू आई ठीक है तो वो एक ऐसा नंबर है जिसको अगर खुद से मल्टीप्लाई किया गया तो आंसर आपका माइनस वन आएगा ठीक है मैं यही वाली पूरी चीज आपको एक और एग्जाम्पल के साथ देता हूं अभी तो मैंने पूरा मिट गया कोई बात नहीं कंट्रोल जेड होता है क्या कंट्रोल जेड नहीं होता कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है मैं दोबारा लिख दूंगा अभी मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो माइनस फोर्टी नाइन इसका स्क्वायर रूट क्या होगा कई सारे लोगों ने गेस कर लिया होगा इसका स्क्वायर रूट होगा सेवन क्यों क्योंकि सेवन आई विल बी वॉट फोर्टी नाइन एंड आई इज वॉट माइनस फोर्टी नाइन इंटू माइनस वन तो माइनस फोर्टी माइनस फोर्टी नाइन ठीक है ये है मैं आप लोगों को एक बार फिर से समझा दे रहा हूं क्या है मैंने आपसे कहा कि फोर्टी नाइन का जो स्क्वेयर रूट है वो तो आपका सेवन होगा ठीक है फोर्टी नाइन का स्क्वेयर रूट सेवन लेकिन माइनस फोर्टी नाइन का कोई भी स्क्वेयर रूट नहीं होगा राइट तो हमने अज्यूम कर लिया कि माइनस फोर्टी नाइन का स्क्वायर रूट होगा सेवन आई अभी ये आई क्या है ठीक है अभी ये पता चलेगा आई क्या है आई इज अंबर चेक इट ठीक है आई इज नंबर विच इज आइडेंटिफाइड बाई इट्स प्रॉपर्टी आई स्क्र इज इक्वल टू माइनस वन ठीक है आई स्क्व टू माइनस वन एनी वे ये देखो तो 7i होल स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो 49 i स्क्वायर आता है और मैं आपसे कह रहा हूं कि दिस इज इक्वल टू -49 तो दिस इज इक्वल टू -49 तो i स्क्वायर कैसे आएगा -49 अपॉन 49 तो i स्क्वायर इज इक्वल टू -1 डिराइव हो गई आप कोई भी नंबर लेके इसको ट्राई कर सकते हो कोई भी नंबर लेके आप इसको ट्राई कर सकते हो ठीक है कहने का मतलब ये हुआ कि अगर स्क्वायर रूट sin के अंदर अगर स्क्वेयर रूट साइन के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर है अगर स्क्वेयर रूट साइन के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर है तो क्या स्क्वेयर रूट लेने पर एक रियल नंबर आएगा या इमेजिनरी नंबर आएगा स्क्वेयर रूट साइन के अंदर अगर एक नेगेटिव नंबर है माइनस ट्वेंटी फाइव है माइनस फोर्टी नाइन है माइनस कुछ भी हो माइनस फोर्टी ही हो जाए फोर्टी ही हो जाए रूट साइन के अंदर अगर एक नेगेटिव नंबर है तो क्या आपका जो भी आंसर आएगा वो एक रियल नंबर होगा नहीं वो आपका रियल नंबर नहीं होगा वो आपका इमेजिनरी नंबर ठीक है तो रूट साइन के अंदर रूट साइन के अंदर अगर नंबर नेगेटिव हो तो फाइनल आंसर विल ऑलवेज बी इमेजिनरी और अगर स्क्र रूट साइन के अंदर एक पॉजिटिव नंबर हो तो फाइनल आंसर विल बी रियल नंबर ठीक है तो मैं एक बार जल्दी से लिख देता हूं मैंने यहां पर क्या क्या लिखा था मैंने बस इतना लिखा था कि अल्फा आपका आता है माइनस फोर ए सी इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई टू ए तो मैंने कहा था अल्फा आता है माइनस बी प्लस पी माइनस फोर ए सी इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई टू ए और बीटा आता है माइनस बी माइनस बी माइनस फोर ए सी स्क् रूट अपॉन टू हमारी चल रही थी नंबर लाइन की मैंने एक नंबर लाइन ऐसे बनाई थी दिस वाज माइनस इंफिनिटी दिस वाज जीरो एंड दिस वाज इनफिनिटी ठीक है माइनस इंफिनिटी जीरो और इंफिनिटी और मैं आपसे कह रहा था कि अगर कोई भी नंबर Suppose, आपका कोई भी नंबर माइनस ट्वेंटी अगर और 25 का रूट निकालना है तो कोई भी रियल नंबर इसका आंसर नहीं होगा ठीक है का, 5, लेकिन 25 का 5 या 5, क्योंकि अगर 5 भी आप करते हो तो माइनस फाइव इंटू माइनस फाइव विल गिव यू ट्वेंटी तो इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए मैथमेटिशियंस अराउंड वर्ल्ड व्हाट दे क्रिएटेड नंबर कॉल्ड आई क्रिएटेड नंबर ठीक है क्रिएटेड नंबर आई क्या बोल के कि भैया फाइव आई का अगर आप स्क्वायर करोगे तो आपको माइनस ट्वेंटी फाइव मिल जाएगा ठीक है ऐसे ही बना दिया कि अगर आप फाइव आई का स्क्वायर करोगे तो आपको आंसर माइनस ट्वेंटी फाइव मिल जाएगा हमने कहा अच्छा पर ये आई क्या है अभी पता चलता है फाइव आई का स्क्वायर करने पर क्या आता है ट्वेंटी फाइव आई और क्या बोला जा रहा है फाइव आई का स्क्वायर करने पर माइनस ट्वेंटी ट्वेंटी तो ट्वेंटी फाइव आई स्क्ज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी फाइव आई स्क्र इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी फाइव अपॉन ट्वेंटी फाइव ये कट जाता है तो आई स्क्वायर आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन ठीक है तो अब पता चल रहा है कि ये आई क्या बला है आई एक ऐसा इमेजिनरी नंबर है जिसका अगर आप स्कूल लेते हो तो आपका आंसर आता है ठीक है नाउ क्वेश्चन कि अगर रूट साइन के अंदर आपकी कोई भी नेगेटिव वैल्यू होगी तो फाइनल आंसर क्या रियल नंबर आएगा नहीं फाइनल आंसर तो आपका आई के टर्म्स में आएगा ना अगर स्क्र रूट साइन के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर है तो फाइनल आंसर आपका आई के टर्म्स में आएगा ठीक है अब देखो

ठीक है अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो अगर आपका बी स्क्वायर माइनस फोर जीरो से माइनस इनफिनिटी में लाई कर रहा है मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर नेगेटिव है ठीक है जीरो से इधर जाओगे सारे नंबर्स नेगेटिव ही तो आएंगे तो आपकी रूट्स क्या होंगी फाइनल आंसर क्या होगा रियल या इमेजिनरी फाइनल आंसर आपका इमेजिनरी होगा तो अगर बी स्क्वायर इज लेस देन जीरो तो रूट्स आर अनइक्वल एंड इमेजिनरी ठीक है क्योंकि यहां पर बी स्क्र माइनस फोर इसी अल्टीमेटली तो स्क्वायर रूट साइन के अंदर ही है स्क्वायर रूट साइन के अंदर नेगेटिव नंबर फाइनल आंसर विल बी इमेजिनरी ठीक है स्क्वायर रूट साइन के अंदर नेगेटिव नंबर फाइनल आंसर विल बी इमेजिनरी लेकिन अगर स्क्वायर रूट साइन के अंदर पॉजिटिव नंबर तो फाइनल साइनस फाइनल आंसर विल बी रूट्स आर अनइक्वल एंड रियल आई होप ये वाली बात आपको यहां तक समझ में आ रही है रूट्स आर अनईक्वल एंड रियल ठीक है जितना भी अभी पिछले बीस मिनट में बताया बहुत क्विकली समराइज कर रहा हूं ठीक है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू अगर जीरो होती है अगर B square minus की वैल्यू होती है, तो यहां के रोक् रूट के अंदर भी जीरो यहाँ के रूट के अंदर भी जीरो ना तो माइनस बी में कुछ हुआ ना तो माइनस बी से कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ मतलब अल्फाइज माइनस बी बाई टू बीटा इज ऑल्सो माइनस बी बाई टू तो रूट्स आर इक्वल तो अगर जीरोक्र माइनस फोर एसी जीरो बीटा रूट्स आर इक्वल ठीक है 0, to, uh, beta, और अगर जीरो रूट्स आर अनुअल रूट आर अनईक्वल उसके बाद मैंने आपको आई के बारे में सिखाया आई क्या होता है आई इज अ प्रॉपर्टी आई एक ऐसा इमेजिनरी नंबर होता है जिसकी प्रॉपर्टी होती है कि आई का स्क्वेयर इज ऑलवेज इक्वल टू तो माइनस वन ठीक है और इसके लिए मैंने आपको एम्पल एग्जाम्पल्स भी दे दिए राइट तो अगर आपका स्क्वेयर रूट साइन के अंदर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी स्क्वेयर रूट साइन अगर ये पूरा बी स्क्वेयर माइनस फोर एसी नेगेटिव है तो आपका फाइनल आंसर रियल होगा या इमेजिनरी होगा इमेजिनरी होगा यही यहां पर लिखा है लेस देन जीरो में रूट्स विल बी इमेजिनरी और ग्रेटर देन ग्रेटर देन जीरो में रूट्स विल बी रियल बस हम लोग अभी दो चीजों के बारे में और बात करनी है उसके बाद अपना डिस्कशन खत्म हो जाएगा नाउ आई एम गोइंग टू बी टेलिंग यू अबाउट रैशनल एंड रैशनल नंबर्स एनी नंबर एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ अ नंबर. एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स इज अ रैशनल नंबर इंटीजर्स क्या होते हैं जीरो के इधर वाले सारे इंटीजर्स जीरो के उधर वाले सारे इंटीजर्स इंटीजर्स मतलब होल नंबर्स

एक फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स फॉर लेट्स टेक द नंबर टू। क्या आप को के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो ये ट्वेंटी टू बाई वन दो इंटीजर्स दिस इज रैशनल नंबर थ्री बाई फाइव रैशनल नंबर 4 बाई सेवन राशनल नंबर माइनस नाइन बाई टू राशनल नंबर एंड सो ऑन एनी नंबर एनी नंबर व्हिच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स इज नोन एज अ राशनल नंबर इज नोन एज अ राशनल नंबर एक छोटा सा पॉइंट और है बस ठीक है देखो अगर मैं अगर मैं फोर बाई को कैलकुलेट करूं अगर मैं फोर बाई सेवन को कैलकुलेट करूं तो क्या आता है? देखो बहुत ध्यान से देखा पॉइंट फाइव सेवन वन फोर टू एट फाइव सेवन फोर टू एट फाइव सेवन वन फोर टू एट फाइव सेवन वन फोर टू एट फाइव सेवन वन फोर टू एट एंड सो वन एक रैशनल नंबर के फ्रैक्शन को अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो या तो वो पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल अगर आप थ्री बाई फाइव करते तो क्या पॉइंट सिक्स सॉल्व हो गया खत्म ठीक है एक रैशनल नंबर के फ्रैक्शन को अगर आप सॉल्व करते हो तो या तो 0.6 आया बात ही खत्म लेकिन अगर आपने अगर ये नंबर्स आपके चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं तो एक पॉइंट के बाद रिपीट होने लगे एक पॉइंट के बाद रिपीट होने लगेंगे पॉइंट फाइव सेवन वन फोर टू एट फाइव सेवन वन फोर टू एट 5, 7, 1, 4, 2, and so on. आप दुनिया के किन ही भी दो integers का निकाल कर देख लो. By दिखाओ. ये करके लिख दिया है. लेकिन तो चले जा रहे ना. By is also a rational number. दो इंटीजर्स का फ्रैक्शन है दो इंटीजर्स का फ्रैक्शन है सॉल्व करने पर जो भी डेसिमल एक्सपेंशन है वो सेम नंबर रिपीट हुए जा रहे हैं, टू बाई थ्री इज ऑल्सो रैशनल नंबर ठीक है टू बाई थ्री इज रैशनल नंबर तो कोई भी नंबर अगर दो इंटीजर्स के फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है तो दैट इज अ रैशनल नंबर और जो नंबर ऐसा नहीं है वो इरेशनल नंबर इरेशनल नंबर का मतलब क्या हो गया टू का स्क्वेयर रूट टू का स्क्वेयर रूट अब ये कुछ भी चलेगा ठीक है ये ना खिंचता जाएगा खिंचता जाएगा खिंचता जाएगा और कोई रिपीट भी नहीं होगा ठीक है 1.414213562373095 क्या आपको कोई रेपिटेशन दिखाई दे रहा है नहीं, 3 का root, 3 का रूट, रूट जाएगा जाएगा, आपका चलता ठीक है यहां पर कोई भी आपका आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आपके डिजिट रिपीट होने शुरू नहीं हुए ठीक है नाउ टेल मी वन थिंग बचपन से स्कूल में जो हम लोगों को पाई की वैल्यू पढ़ाई जाती थी वो क्या होती थी टू बाई सेवन राशनल नंबर है दो इंटीजर्स दो इंटीजर्स है, 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 है? है आपका थ्री पॉइंट वन फोर टू एट फाइव सेवन वन फोर टू एट फाइव सेवन वन फोर ये थ्री राउंड ऑफ करके लिख दिया लेकिन वो ये वन फोर टू एट फाइव सेवन वन फोर टू एट फाइव सेवन वन फोर टू एट फाइव सेवन तो ट्वेंटी टू बाई सेवन इज नॉट रैशनल नंबर है सर ये क्या बोल दिया पाई तो आपने देख लिया ना रैशनल नंबर तो है तो मैं क्यों कह रहा हूं कि पाई इज नॉट अ रैशनल नंबर अगर स्कूल्स में हमें पाई की वैल्यू 22 पढ़ाई जाती थी और 22 डेफिनेशन तो सारी सारी तो आपकी सेटिसफाई हो रही है you, world, के पाई इज नॉट अ रैशनल नंबर क्योंकि सर स्कूल में ये अप्रोक्सिमेट वैल्यू सिखाई जाती थी आपको पाई की वैल्यू ये होती ही नहीं है पाई की वैल्यू ये होती ही नहीं है एक्चुअल पाई की वैल्यू पता है क्या होती है ये मेरे पास स्टैंडर्ड में है ना मैं इसका साइंटिफिक खोलता हूं फोर वन फाइव नाइन टू सिक्स फाइव थ्री फाइव एट नाइन सेवन नाइन थ्री एंड सो ऑन इसलिए पाई एक इरेशनल नंबर होता है ठीक है क्योंकि पाई का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो अनलिमिटेड तक चलता रहेगा एंड दैट ठीक है? तो स्कूल में हमें ऐसे क्यों सिखाते थे स्कूल में हमें से क्यों सिखाते थे? क्योंकि आ जाता था ना आपका, ठीक है अगर हम ट्वेंटी करेंगे तो इनिशियली तो तो आपको इतना ज्यादा थोड़ी सिखा सकते थे ठीक है हर लेवल की एजुकेशन का एक लिमिट होती है ठीक है सारी चीजें स्कूल में नहीं सिखाई जा सकती थी ठीक है इसलिए तो आप बड़ी-बड़ी क्लासेस -बड़ी में जाते हो अदरवाइज ट्वेल्थ का क्लास 1 में पढ़ा दे ठीक है तो इसलिए एनीवे anyway, तो द थिंग इज के नाउ यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग द डिफरेंस बिटवीन रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स ठीक रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स के बीच का डिफरेंस आपको समझ में आ गया अब आप बस इतना सा काम करना जितना भी पढ़ाया है इसको एक बार खुद से रिवाइज कर लेना ठीक है इसको इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि डिस्कशन हमारा पूरा हो नहीं पाया है एंड विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन इन द नेक्स्ट क्लास अभी हमारे पास टाइम हो गया है ठीक है अभी हमारे पास टाइम टाइम अप हो चुका है अगले सेशन में जब मैं डिस्कशन स्टार्ट करूंगा तो इसी पॉइंट से स्टार्ट करूंगा थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा और उसके बाद में अपना डिस्कशन कंटिन्यू करूंगा ठीक है ट्रस्ट मी मेरे लिए बहुत आसान होती है होता आप लोगों को ये चीजें रटवाना बट मैं सिंसियरली आप लोगों को रटवाना नहीं चाहता हूं क्योंकि अगर आप लोगों को मैं रटवाऊंगा ना तो आप लोग भूल जाओगे और ऐसा भूलोगे और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो बहुत बुरी तरह से मार खाओगे ठीक है तो आ, मात खाओगे मारने के लिए तो कौन ही आएगा तो इसलिए आई सी यू गाइज लेटर नाउ कल मैं आप लोगों के साथ ये वाला क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का ये वाला डिस्कशन कंटिन्यू करूंगा ठीक है आई uh, नो इस वाले डिस्कशन में थोड़ा सा स्लो चलाऊं लेकिन वो जानबूझ के चलाऊं क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स के लिए दिक्कत हो जाती है ठीक है आई वॉन्ट टू बी एक्सट्रीमली थरो राइट सो टेक केयर अपना ख्याल रखिए बाय ऑल राइट सर तो अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है तो आप अकेडमी की वेबसाइट पर जाएंगे स्टार्ट लर्निंग पर क्लिक करेंगे स्टार्ट लर्निंग पर क्लिक करने के बाद आपको अपना गोल सेलेक्ट करना होगा यहां पर आप अपना गोल सेलेक्ट करेंगे सीए उसके बाद यहां पर सीए फाउंडेशन पर क्लिक करेंगे सीए फाउंडेशन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाले ऑप्शन आ जाएंगे यहां पर आप गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करिएगा गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएंगे प्लस आइकॉनिक बेनिफिट्स आपको क्लास के स्टार्टिंग में मैंने बताई ही दिए थे प्लस के क्या बेनिफिट्स हैं आइकॉनिक के क्या बेनिफिट्स हैं आप एक बार फिर से देख सकते हो जब आप सेलेक्ट प्लस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये प्राइसेस आएंगे अनअकैडमी की प्राइसिंग काफी डायनामिक रहती है तो हो सकता है जिस दिन आप सब्सक्रिप्शन लें तो आपको ये प्राइसेस ना लिखें कुछ ना कुछ ऑफर चल रहा हो लेकिन जो भी ऑफर चल रहा होगा वो सारा का सारा एप्लीकेबल हो जाएगा अगर आप यहां पर हैव रेफरल कोड में आप मेरा कोड डाल देंगे निस्टेन डालते ही जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा तो ये देख रहे हो आप लोग प्राइसेस फटाफट फड़ से स्लैश डाउन हो जाएंगे मैजिकली प्राइसेस आपके स्लैश डाउन हो जाते हैं सिमिलरली ये आइकॉनिक के प्राइसेस हैं आफ्टर डिस्काउंट और ये लाइट के प्राइसेस हैं आफ्टर डिस्काउंट लाइट में सिर्फ वेलुएटेड टेस्ट सीरीज मिलती है तो अगर आप प्लस और आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसमें लाइट का सब्सक्रिप्शन वैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री रहता है ठीक है तो लाइट का इंडिविजुअली कोई खास बेनिफिट नहीं है या अगर होता भी है तो वो एकदम लास्ट मोमेंट्स पर होता है जब सारे स्टूडेंट्स अपनी पूरी पढ़ाई कर चुके होते हैं और लगता है कि नहीं बस हम लोग टेस्ट दे दें तो अदरवाइज क्लासेज वगैरह लाइट पे नहीं होती है क्लासेज आपकी प्लस और आइकॉनिक में होती है राइट right? सो so, यहां पर आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो जिसमें आपको सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट का कंबाइंड सब्सक्रिप्शन मिल जाता है मेरे हिसाब से रेकमेंडेड वही वही है सबसे ज्यादा अच्छा वाला सब्सक्रिप्शन होता है कॉम्बो सब्सक्रिप्शन तो कॉम्बो प्लस भी है कॉम्बो आइकॉनिक भी है अब मैं आपको उसके प्राइसेस दिखा देता हूं जब आप प्लस पर आएंगे और यहां पर 24 फोर मंथ सेलेक्ट करेंगे तो यहां पर निश्चय लगा दिया अप्लाई कर दिया डिस्काउंट मिल गया प्रोसीड टू पे पर क्लिक करो जैसे ही आप प्रोसीड टू पे पर क्लिक करोगे यहीं पर आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा टू एड सी इंटरमीडिएट एज वेल तो यहां पर आपको आफ्टर डिस्काउंट

गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करने के बाद यहां पर सेलेक्ट आइकॉनिक किया सेलेक्ट आइकॉनिक 24 months किया यहां पर मैंने कोड डाल दिया निस्टेन ये बहुत जरूरी है कोड डालते ही इसमें आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा आप प्रोसीड टू पे पर क्लिक करोगे आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा यहां पर ऐड कर दीजिएगा तो सीए फाउंडेशन के साथ साथ इंटरमीडिएट का भी दो साल का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको यहां पर मिल जाता है ठीक है तो दिस इज हाउ यू टेक एन टेकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन डू टेक एन अकेडमी सब्सक्रिप्शन बिकॉज इससे बेहतर इससे सस्ता आपको कहीं पर कुछ मिलेगा नहीं एंड प्लीज डू यूज माई कोड निश्चेंट टू गेट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट क्योंकि जब जब आप ये कोड यूज करते हो दिल मेरा भी धड़कता है ठीक है चलो सर एल सी यू द नेक्स्ट सेशन टेक केयर अपना ख्याल रखिए बाय बाय